इतनी बड़ी बाल्टी डाली हुई है इसमें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं प्रशांत और आज मैं आया हूं माधवगढ़ फार्म्स में। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गुड़गांव में पड़ता है, टीकली रोड पड़ती है ये, और गांव पड़ता है नियर इसके गैरतपुर बास। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो यहां से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 5556 है या फिर इफ्को चौक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने कन्वेंस से आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप काफी आपको अंदर आना पड़ेगा 16-17 किलोमीटर। अगर टाइमिंग की बात करूं तो यह सुबह 9 से 5 बजे तक खुलता है डे आउटिंग के लिए, ये ऑल 7 डेज ओपन रहता है। और अगर टिकट की बात करूं तो 1250 रुपये पर पर्सन यहां पे टिकट है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गाइस कि आप यहां सस्ती टिकट किस तरीके से ले सकते हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि यहां पे फूड किस तरीके का है, खाने को क्या क्या मिलेगा, खाना किस तरीके का है, साथ में एक्टिविटीज क्या क्या करने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस ये है माधवगढ़ का एंट्रेंस गेट, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, टिकट लेते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। गाइस ये रिस्ट बैंड आ गया, तो ये आपको बांधने के बाद यहाँ एंट्रेंस मिलेगी। सो गाइस अंदर आने के बाद ये है यहाँ का टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। गाइस जो किड्स की टिकट है वो है 650 रुपये, और ये हाइट मेजरमेंट करने के लिखाया है। अगर 3 फीट का बच्चा है तो वो बिल्कुल फ्री है, अगर उससे ऊपर बच्चा होता है तो 650 रुपये टिकट है। साथ में कुछ राइड्स जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, बोल राइड, 7D सिनेमास। यहाँ पे माधवगढ़ का आपको इस तरीके से एक बोर्ड दिख जाएगा, साथ में गांव की पेंटिंग्स लगी हुई हैं कुछ, और यहाँ पे एक गाड़ी रखी हुई है जिसमें आप मतलब सेल्फी वगैरह इनके साथ ले सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ माधवगढ़ में आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी। उसके अंदर डिफरेंट पैकेज है, वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर और उसका इंफॉर्मेशन दे दूँगा। उसके लिए आपको दिन के 12 बजे रूम मिलेगा और अगले दिन 10 बजे आपको चेकआउट करना होगा। तो अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ वेलकम ड्रिंक मिलेगी, जिसमें लेमनेड, टी और छाछ आपको मिलेगा। तो चलते हैं ट्राई करते हैं। सो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ छाछ गांव की, सही है एकदम जैसी होती है छाछ। सो गाइस यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, अंदर आते ही ये साइकिल खड़ी हुई है आप देख रहे हैं जैसा, तो यहाँ पे भी आप सेल्फी वगैरह खिंचवा सकते हैं। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे टॉय शॉप बनी हुई है काफी बड़ी, यहाँ पे टॉयज वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे चल रहा है पपेट शो, ये आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे ये राजस्थानी फोक डांस आप देख सकते हैं, जैसा आप सामने देख रहे हैं ये राजस्थान का कल्चरल डांस है। और आप देखेंगे ये मटके सर पे रखे हुए, बैलेंस कितना तगड़ा है भाई। और ये सामने देखो 100 का नोट है, ये उठा रही है ये मुंह से और बैलेंस करा हुआ है सारे मटके के ऊपर। उठा लिया। अब देखो गाइस ये दो ग्लास के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं सर के ऊपर, ये देखो भाई, ओए ओ भाई। सो गाइस ये है राजस्थानी फोटो स्टूडियो, यहाँ पे आप राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं, मेंस वुमेन्स दोनों यहाँ पे ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं। कोई चार्ज है इसका फोटो खिंचवाने का? कितने रुपए? 100 रुपए चार्ज है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपए पर हेड आपको चार्ज पे करना होगा इस फोटोग्राफी का। सो गाइस यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आप लोग भी यहाँ पे बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना चाहें तो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो गाइस ये अब हम आ गए हैं पॉटरी सेक्शन में, यहाँ पे आप इस तरीके से मिट्टी के बर्तन वगैरह खुद बना सकते हैं जैसे गाँव में बनते हैं। अगर आप अपने हाथ से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये देखिए सामने ये बना के इन्होंने दिया। सो गाइज ये है डाइनिंग हॉल नंबर 1, यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है विद द वॉल आर्ट। यहाँ पे मूड़े लगे हुए हैं और साथ में ये टेबल्स वगैरह आप देखेंगे सिटिंग बैठने की, और सामने वहाँ पे काउंटर पे खाना लगा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं खाने में क्या क्या है यहाँ पर। चूनी घी, घी नामा वाला, चटनी, गुड़,
साथ में खीर, और ये है गुलगुले। अगर आपने खाए बहुत टेस्टी होते हैं ये, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये रायता है बूंदी का, यहाँ मिल जाएगी आपको चाउमीन, यहाँ आपको मिल जाएगी बाजरे की खिचड़ी, और साथ में यहाँ आपको मिल जाएगा सरसों का साग, शाही पनीर आपको मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा कढ़ी पकौड़ा, छोले मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा चने की दाल है यहाँ पे, यहाँ आपको राइस मिल जाएंगे, सैलड है। तो गाइस ये है डाइनिंग हॉल नंबर 2। जैसे हॉल नंबर 1 था उसी तरीके से यहाँ भी आप बैठ के खा सकते हैं, सेम यहाँ पे भी आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, बुफे वगैरह यहाँ सब लगा हुआ है, वही सेम आइटम आपको यहाँ मिलेंगे जो आपको वहाँ मिलेगा। तो गाइस अगर आप गर्मा गर्म बाजरे और मक्के की रोटी खाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ खा सकते हैं, यहाँ देखिए सामने चूल्हे पे बन रही है गर्मा गर्म। लंच आप अंदर डाइनिंग हॉल में भी कर सकते हैं, यहाँ ओपन में बैठ के भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी बैठने की सीटिंग बनी हुई है। सो गाइस खाने में हमने ले लिया है सब कुछ, थोड़ा थोड़ा हम इसको टेस्ट करेंगे और बताते हैं आपको कि किस तरीके का खाने का टेस्ट है। और ये देखिए नूनी मक्खन कितना सारा लिया मैंने। तो डीजे पे आप यहाँ डांस फ्लोर पे डांस कर सकते हैं, सामने देखो छोटी सी लड़की इतना अच्छा डांस कर रही है। सो गाइज ये आ गया है एक्टिविटीज एरिया, यहाँ से आप ऊपर जिप लाइन कर सकते हैं जाके, और यहाँ कमांडो नेट है जो आप कर सकते हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर कमांडो नेट करते हैं। सो गाइज ऐसे आप क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ आके, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको मजा आएगा काफी। और कैच पकड़ ली, आउट। आप यहाँ पे रस्सा कसी भी कर सकते हैं, देखो। तो गाइज एक्टिविटीज करके गर्मी लग रही है काफी, एक्टिविटीज है यहाँ पे काफी सारी ये वाली करने की जो आपने देखा, उसके बाद अगर आप थक जाए एक्टिविटीज करके तो यहाँ खटिया वगैरह लगी हुई है, बैठने के लिए चेयर्स हैं, आप आराम भी कर सकते हैं थोड़ी देर। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्या है आगे करने को। सो गाइज इसी एक्टिविटी एरियाज के साथ एक और एक्टिविटी एरिया है, यहाँ पे बच्चे ट्रैम्पोलिन कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, नेट यहाँ पे लगा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ गेम्स है ये यहाँ पे खेली जा सकती हैं। तो डुगू कर रहा है थ्रो, इसमें रह गई, चल एक और। इतना सा बच गया, तो गाइस ये है बुल राइड, ये 100 रुपीज पर पर्सन है, 2 चांस इसमें मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको 100 रुपीज में मसाज चेयर मिल जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे आप फिश स्पा भी करा सकते हैं, ये भी 100 रुपीज में आपको 10 मिनट मिलती है। सो गाइस बड़ी देर से मैं देख रहा था कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा, तो ये साइन बोर्ड यहाँ आ गया, कैमल कार्ट राइड, स्वैन डग्स, मैजिक शो, हेड मसाज, मेहंदी, सब राइट में है, और हॉर्स एंड काओ, डॉग एंड पेट, चिकन पिजन, बुल कार्ट राइड, ट्रैक्टर कार्ट राइड, ये सब लेफ्ट में यहाँ पड़ेंगे। तो चलते हैं देखते हैं हम यहाँ से राइट की तरफ चल के सबसे पहले। ये देखो ये वॉलीबॉल के नेट के ऊपर फुटबॉल चल रही है, और जूता उतर गया एक ही किक मारते हुए, अभी तो नेट के बराबर ही नहीं है दूसरा वाला, वो उधर खड़ा है जो। तो भाई ये छोटा सा कुआं आ गया है, अब खींचते हैं इसमें से, देखते हैं क्या है। ओहो हो, कितनी बड़ी बाल्टी डाली हुई है इसमें, देखो भर के आई है। ये डग्स देखने को आपको मिल जाएंगी। हेलो। तो गाइस सेल्फी के लिए जो 3-4 तरह की यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आई थिंक उसमें से सबसे सही कंडीशन में और बैठने के लिए ये यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप सेल्फी ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप बैठ के कैरम खेल सकते हैं, ये
एक बैठक बना रखी है, कैरम पड़ा हुआ है सामने। उसके अलावा यहाँ पे ये जादू का शो चल रहा है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो ना भाई, कहाँ क्या मुँह से निकाले जा रहा है, कहाँ इकट्ठे कर रखे हैं इसने। तो इस तरीके से ये जादू का शो बोलते हैं, टेक्निक रहती है सब, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखो, ओ भाई तो कमाली है। आप अगर थका हुआ फील कर रहे हैं तो यहाँ हेड मसाज भी करा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बैठ के। जैसे सामने ये हेड मसाज चल रही है, ऐसे आप भी करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेहंदी लगवाने की भी व्यवस्था है, यहाँ बैठ के आप मेहंदी लगवा सकते हैं। चलो से हाय टू द कैमरा। तो गाइज ये चल रही है राइड हमारी यहाँ पे, गाँव वाला मज़ा ये आप देखिए। तो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं बच्चे, देखो कैसा लग रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है? सो गाइज मुझे यहाँ मिले हैं कुछ गेस्ट जो यहाँ घूमने आ रखे थे, तो पूछते हैं इनसे इन्हें कैसा लगा। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा, तो कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, तो अच्छा लगा इन्हें, सब कुछ बढ़िया रहा जैसा ये बता रहे हैं। राइड्स वगैरह, खाना वगैरह सही लगा आपको? तो गाइज ये स्टार्ट हो रही है कैमल कार्ट राइड। कैमल को आप देख रहे होंगे कैसे सजा रखा है, और आगे से इस तरीके से इसका मुँह बांध देते हैं, और अब ये स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं और कैमल कार्ट राइड कर सकते हैं। जैसे कि घोड़े वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं कि बंधे हुए हैं यहाँ के अस्तबल में, लेकिन आपको यहाँ पे हॉर्स राइडिंग नहीं मिलेगी। बेसिकली ये ब्रीडिंग के लिए हैं, और यहाँ पे कैमल कार्ट राइड, बुलॉक कार्ट राइड और ट्रैक्टर राइड आप कर सकते हैं। सो गाइज अब हम आ गए हैं ट्रैक्टर राइड में, और ये ट्रैक्टर राइड चल रही है। सो गाइस स्नैक्स के अंदर आपको जलेबी मिल जाएगी, पकोड़े मिल जाएंगे दो तरह के, इसके अलावा आपको दही बल्ले मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे गोलगप्पे। तो 3 से 6 का टाइम है स्नैक्स का, टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसे हैं। तो स्नैक्स में ये लिए हमने पकोड़े, जलेबी, टेस्ट करते हैं। आई थिंक कबाब है ये, टेस्टी है गाइस, बढ़िया टेस्ट में। भाई ये आ गया गोलगप्पा, पानी भर लिया इसके अंदर, पानी लेकर आया हूँ मैं ज़्यादा इसके अंदर, पानी नहीं है इसका। सो गाइस ये है चेंजिंग रूम, और यहाँ पे बना हुआ है पूल, और यही सामने आपको मिल जाएगा रेन डांस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहे। फिलहाल सर्दी है काफी, तो इस टाइम कोई नहीं है यहाँ पर करने के लिए। हे गाइस, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जैसे कि टिकट आप कैसे कम करा सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है गाइस कि अगर आप प्री बुकिंग करा के आए ऑनलाइन, तो आपको टिकट यहाँ पे 800 रुपये पर पर्सन की पड़ेगी, वहीं आपको बच्चों की जो टिकट होगी किड्स की, वो 500 रुपये पड़ेगी। हालांकि जब आप यहां डायरेक्ट काउंटर पे आते हैं तो 1250 रुपये अडल्ट फेयर है, और बच्चों की जो टिकट है वो 650 रुपये है 3 फीट से ऊपर बच्चों की। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि अगर आप लेट हो जाते हैं, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो है 9 से लेकर 11 या 11:30 तक, लेकिन अगर आप वो स्किप कर देते हैं तो उसमें भी आप अपने फेयर में कुछ कम करा सकते हैं, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं उस बारे में, कुछ फेयर उसमें भी आपका कम हो जाएगा। उसके अलावा गाइस खाने के बारे में मिक्स ओपिनियन है मेरा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं आई। वो हालांकि ज़्यादातर जगहों पे रहता है ऐसा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो आप आएंगे तो वो आप बेटर जज कर पाएंगे जब आपके यहाँ आके टेस्ट करेंगे। फिर आपको वीडियो कैसी लगी, आपने सारी एक्टिविटीज़ देखी, सब कुछ हमने दिखाया आपको माधवगढ़ के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जो इस तरह का प्लान कर रहे हैं फॉर्म्स वगैरह घूमने के लिए, तो माधवगढ़ की वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।